Hi guys, after the very long time, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम and welcome back to दीपिका की दुनिया. I think मुझे अब ये अपने opening line में जोड़ लेना चाहिए. ये show वहाँ to win कर रहे हैं. By the way, मैंने अपने last वाले ब्लॉग में बोला था, जो ईद से शायद एक दिन पहले गया था, उसमें मैंने कहा था कि तुम बना तो रही हो ब्लॉग, लेकिन डालोगे तो 20 दिन के बाद ही. ये है वो क्लिप जिसके बारे में शोएब बात कर रहे हैं. है ना, आज मैं रुहान के साथ थोड़ा लंबा समय के लिए बिजी हो गई थी. कोई मतलब है शूट करके डालना तुम्हें 15 दिन के बाद ही है. नहीं, मैं आज ही डालूंगी या कल डाल दूंगी मैक्सिमम. ये बहुत गलत बात है. देखो, एक तो मैं अपने आप को मोटिवेट करके शूट कर रही हूँ, और ये आगे मुझे बोलने के लिए कि मैंने 15 दिन बाद डालना है. तो आज हुआ ये कि मैं कोई पॉइंट और तुम्हें डाला हूं. मैंने कुछ शूट ही नहीं किया. वो तो मैंने बताया क्यों शूट नहीं. यस सो और जो भी है, त्योहार का दिन है, घर पे मेहमान आए थे, तो बीच बीच में हर चीज चल रही थी. एंड रुहान जब रेस्ट कर रहा था तो हम यहाँ थे. शाम में वो थोड़ी देर खेल रहा था, बट देन हिज मूड वॉज नॉट एज इट इज ऑलवेज. तो इसलिए हम लोग उस दिन एक्चुअली कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं. सिर्फ इस बार जो भी खाना मैंने बनाया वो सब बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत अच्छा बना. और बिरयानी, यस, मैं वही बोलने वाली थी. वो बड़ी अच्छी थी, कुछ डिफरेंट था, बहुत अच्छी थी. ज़्यादा नहीं खाई मैंने, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, लेकिन बहुत अच्छी थी. और दोनों मम्मियों ने जैसे ही वो बिरयानी खाई, मैं अंदर थी रुहान के साथ, तो वो दोनों दरवाज़ा खोल के अम्मी भी मम्मी भी की आज की बिरयानी, आज की बिरयानी. तो मैं बोला चलो एवरीथिंग, मतलब आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है. तो और अब अल्हम्दुलिल्लाह रुहान इज बेटर, ही इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन. उसकी मस्तियाँ जो हैं वो वापस शुरू हो गई हैं. मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ. हाँ, और यही शो मैं अपलोड कर रहा हूँ, रुहान इज फाइन. यस, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा मेरे चैनल. तो ये और बस कुछ नहीं, अभी फिलहाल रुहान जो है वो आराम कर रहा है. अरे आपने थोड़ी थोड़ी आपने अभी डाइट अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी शुरू कर दी है ना थोड़ी थोड़ी. हाँ, जो एक्चुअली जो मैंने ड्यूरिंग झलक एक सेकेंड ड्यूरिंग झलक मैंने सब कुछ खाया है, क्योंकि बहुत मेहनत होती थी और जिम नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे कट डाउन मतलब इतनी मेहनत होती है, वहाँ पे इतना पुट ऑन नहीं होता. वो तो मतलब आप दिन भर जिम कर रहे हो उस बराबर. हाँ, पुट ऑन नहीं होता था. और अभी जब से झलक खत्म हुआ है, हालांकि मैंने तब भी बहुत कुछ खाया है, ड्यूरिंग झलक मैंने पुट ऑन नहीं किया, लेकिन अभी एक डेढ़ दो महीने में एक दो किलो पुट ऑन हो गया है. तो अब मुझे स्ट्रिक्ट डाइट पर जाना है, बट स्ट्रिक्ट डाइट पर मैं एकदम से नहीं जाऊँगा. तो पहले डेढ़ दो तीन हफ्ते मैं धीरे धीरे कम करूंगा. सबसे पहले मैं मीठा कट डाउन करूंगा, फिर उसके बाद मैं रोटी चावल जो है वो जो अभी खाता था वो कट डाउन करूंगा. आपने रिस्ट्रिक्ट किया है तो आप मीठा नहीं खाओगे, क्योंकि मैंने कल इंस्टा पे अरेबियन पुडिंग देखी है. पुडिंग तो मुझे वैसी पसंद नहीं, सॉरी. वो ब्रेड वाली है जो आपको अच्छी लगी थी, जो मैंने फ्लॉप बनाई थी, जिसका वीडियो मैंने शूट किया था, मैंने डाला ही नहीं, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई थी. एक चम्मच मैं टेस्ट कर लूंगा. देखो, कभी कभी इंसान को ना बेइज्जतियां भी दिखानी चाहिए, मैंने दिखाई ताकि लोगों को बोलने का मौका मिले. जिनको बोलना है वो तो वैसे ही बोल देते हैं. तो बेटर है कि हम उनको एक मौका दे दें कि हाँ भाई, बेइज्जती हो गई. बस एक सेकंड, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, पकड़ो. तुम्हें बनाना नहीं आता, तुम चलिए बनाने के लिए, थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए. एनीवेज, रमजान के महीने मैंने शेयर की थी, अपनी बेस्टियाँ शेयर की थी, पर ये जो मैंने ब्रेड पुडिंग बनाई थी तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं, बाय द वे. हाँ, तो इसका ब्रेड पुडिंग जो है वो अच्छा नहीं बना था. तो अभी जिसको इसको जो भी कुछ भी बोलना है आप बोल सकते हैं. और आज मैं बनाऊंगी अरेबियन पुडिंग, जो कि मैंने कल इंस्टा पे दो तीन वर्जन अलग अलग देखे हैं, तो उसमें से एक मैंने उठाया है जो मुझे बहुत इजी लगा, बहुत अच्छा लगा. अब देखते हो कैसा बनता है. टेस्ट तो आप ही करोगे, देखो आपकी डाइट चल रही हो, कुछ भी तो चल रही हो, टेस्ट तो आप ही करोगे. और ये रुहान का टॉय तो आप देख ही चुके होंगे. इसको हमारे, जब मैं छोटी थी तो मेरे पास ऐसे एक जोकर टाइप ऐसे था, इतना एनिमेटेड नहीं था, ऐसे एक जोकर टाइप हुआ करता था, जिसका नोज ऐसे राउंड सा और उस पर लिखा होता था हिट मी. तो हिट मी, ओ आगे मैं किचन में खाना बनाने के लिए, जैसा कि शोएब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं खाना तो बिल्कुल वक्त पे बनाती हूँ, बाकी सब में लेट लगती हूँ. क्यों शोएब, नजरें देखो कैसे देख रहे हैं, है ना.
देखो खाना वक्त पे बनाना जरूरी है कि नहीं है? बाकी काम भी वक्त पे करना जरूरी है ना, वो आप कर लेते हो। ठीक है, जा रहा हूँ जिम, मेरे जिम का वक्त हो गया। ओहो, बन रहा है रूहान का जो है खाना। चावल बन गए हैं, चावल ज्यादा पानी में ज्यादा देर तक पकाती हूँ ताकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ में दाल बन गई है, दाल भी थोड़ी गीली गीली रहती है, तड़के के साथ ही दाल, तड़का भी क्या, मतलब घी में थोड़ा सा प्याज टमाटर सौते करके उसमें सिर्फ हल्दी डाल जाती है, जीरा मसाला जाता है, हींग जाता है, उसके बाद दाल चली जाती है और वो अच्छे से कुक हो जाती है। ये देखिए, नजर मान लीजिए मेरी रूहान, इस तरीके की एकदम पतली पतली डाल दी है। और ये भी मैंने थोड़े से घी में प्याज टमाटर डाल दिए, आज मैंने ज्यादा डाला है। किसी सब्जी इतनी यम्मी होती है ना कि मैं तो यही खा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने एक एक पूरा पूरा प्याज और पूरा टमाटर डाले, क्योंकि मैं ज्यादा बना दी और बड़े कुकर में बना ली, वरना इसका बनता है तो इतना 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 सब जाता है। आजकल निक्कू जी जो है फुल टाइम सर्विस पे हैं, क्योंकि धर्म दादा छुट्टी पे गए हैं गांव। हाँ जी, और हमारा तवा खराब हो गया था तो ये नया लेके आया है। ये है तो सही, पर ये बीच से ऐसे उठा हुआ क्यों है? ये देख ना, ये उठा हुआ नहीं, लाइट वाइट लग रहा है मुझे, ये ना अंदर से जो किया है ना, ये देखिए अंदर से जो किया है ना, ये उसका वो लगा हुआ है। देखिए लग तो सही रहा है, चलो ये ट्राई करके देखते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये देखो ये उठ गए हैं और अभी नीचे दादी के घर जाके आए हैं खूब सारी मस्ती करके, है ना रूहान? और अभी लगी है भूख, खाना खाए? पानी भी आ गया। आहा, हाय सोनू। अच्छी बात है, चलो क्लैप एंड क्लैप एंड क्लैप 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 clap and clap and clap 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 chalo 1 2 3 jump 1 2 3 jump 1 2 Beijo. वो तो इसी नंबर पे कॉल करना, मैंने करना मत करते बोल रहा। हमारे बेड के बेड बैग पे टिका के मैं शॉट ले रही थी और वो फोन पीछे नीचे ले गया। अभी दो कड़छियों को जोड़ के निकालने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं करती हूँ, आपका शॉट लेने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया और आप मस्ती मार रहे हो हैं? तो रूहान खा पी के मस्त, उसका सोने का टाइम था, तो सोने से पहले वो बहुत अच्छे मस्ती के मूड में होता है और बहुत मस्ती करता है मेरी गोद में बैठ के यूजुअली। तो इसे आज भी वो बैठ के कर रहा था, तो मुझे मैंने ना यहाँ पे अपना फोन टिकाया और मैं उसे कैप्चर करी थी, पूरा वीडियो कैप्चर हो गया, सब हो गया। मैंने रूहान को बेड पे रखा और मैं उठाने जा रही थी कि मेरा फोन पीछे स्लाइड हो गया है, यहाँ पीछे। अब मैं उसको निकालूं कैसे, क्योंकि वो इतनी जगह है नहीं और ये वेलक्रो नहीं है जो एकदम से पूरा बेड आगे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दो स्पैटुलास को एक साथ जोड़ा है। अभी मैंने मम्मा को बुलाया, मम्मा देखेंगी इसको, तब तक मैं कुछ कोशिश करती हूँ। हाँ वो देखिए, आपको एक लाइट दिख रही है, हाँ ये डॉट जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है डॉट, हाँ अभी ब्लर हो रहा है, हाँ ये देखिए वो मेरा फोन है। मैं कैसे निकाल, मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने अपना फोन वो बेड बैग के पीछे गिरा दिया है। अभी आप देखो इसको मैं कुछ करती हूँ। क्या यस yes. तो मैं सोच रही हूँ मैं इससे निकालने की कोशिश करूंगी, एंड फॉर सम रीजन दिस बॉय इज वेरी हैप्पी। हाँ मेरे को ही टकलू पे लगी जा रहा है, उल्टा डालू क्या? देखा Almost there.
एक ब्रेड यार, रुको रुको इस पे इसको जोड़ती हूँ क्योंकि वो बहुत पतला है। उसको देख, उसको देखो, ये देखो क्या किया तुमने, क्या किया, हाँ किधर जाने तुमने, क्या कर रही हो मम्मी? Finally. ओके सो फाइनली रुहान जो है वो सो गया है और अजीब ही आज फुल। सो फाइनली रुहान को जो है मैंने सुला दिया है, वो सो गया है आराम से और मैं बाहर आ गई हूँ और निकाल लिया मैंने अपना फ़ोन। थैंकफुली उस पर कोई एडिशनल स्क्रैच नहीं आया, कुछ नहीं है। वैसे मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्क्रैचेस है कि एक आधा और आ भी गया होगा तो पता नहीं चलेगा। दैट्स हाउ मेरे फ़ोन की किस्मत है। एंड आज ना दिन में दीदी मेरा पूरा रैक जो है वो क्लीन कर रही थी, तो काफ़ी डब्बे जो पुरानी ज्वेलरी के हैं, मैं दीदी को बोला था वो बाहर निकाल के रखना, मैं उसे आराम से जब वक्त मिलेगा तो सॉर्ट करूँगी। मुझे पूरे दिन में वक्त नहीं मिला तो मैं अभी उसे सॉर्ट कर रही थी और मुझे खुद में इतना अच्छा लगा इतनी पुरानी ज्वेलरी निकाल के। सबा की शादी के वक्त की है मेनली, यू नो जब मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा ज्वेलरी ली थी बिकॉज वी आर सो मेनी लेडीज़। और कई ऐसे भी है जो ली थी लेकिन पहन नहीं पाए, जो भी बहुत सारी कलेक्शन है। ऑक्सीडाइज की जो कलेक्शन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, एज एन वैन मुझे छांजी रिया से आती है वो भी बहुत सारी है, लेकिन आज स्पेशली मैंने सोचा कि एक क्विक नज़र इस जो इमिटेशन ज्वेलरी है उसकी कलेक्शन पर तो बनती है। आइए सो सबसे पहले इस खूबसूरत से सेट को देखिए, ये इसका नेक पीस बनवाया था मैंने इस तरीके से, लॉन्ग नेक पीस। काफ़ी वक्त हो गया इसलिए यहाँ पे ये देखिए इसकी ये बीच वाली वायर टूट गई है तो ये मैं लगवा लूँगी। और एक ये स्टोन जो है ख़राब हो गया, आई थिंक और भी ये भी स्टोन ख़राब हो गया, ये सब चेंज हो जाएगा। और ये है नेक पीस और इसके साथ मैंने मैचिंग बनवाया था पासा, और ये उसके इयररिंग्स। प्रिटी ना आ गए हैं ये। बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली गर्मी चली गई है, बड़ा अच्छा था, मजा आया, मुझे जैसा खाना चाहिए होता ना वैसा था। आज के ही मेरे इसी वीडियो में बड़ी डींगे हाकी आपने वीडियो डाइट को लेके और आज ही मस्त खा लिया। यार अब ऐसे शादी में जाओ किसी के, करेक्ट करेक्ट, अब वहाँ पे नहीं खाओ तो अच्छा नहीं लगता। अब मेरा है कि अगर एक बार खाओ तो सोचता है चलो, रुक नहीं पाते आप, वो और खा के उठो तो फिर खाने का भी मतलब खाने को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर आप बैठो ही मत खाने की टेबल पे, करेक्ट, या फिर खा लो, करेक्ट। एंड द गुड न्यूज इज मेरे फोन पे कोई स्क्रैच नहीं आया, वेरी गुड, थैंक यू। ये सारे चोखट सेट मुझे मिले हैं यार, इसका एक इयरिंग नहीं मिल रहा मुझे, ये मांगटी का है देखो, ये ना मांगटी का है, ठीक है। और ये सेट है, ये इसका एक इयरिंग है, आई एम श्योर एक इयरिंग कहीं होगा, अगर नहीं मिला तो मैं इसी के पीछे डंडी लगवा के इसको इयरिंग बना लूँगी, है बड़ा प्यारा है ना। एक ये है, एक ये सिर्फ चोखर मुझे पसंद आया था तो इसके साथ ये मैंने मैच करके ले लिए थे क्योंकि इसके साथ कोई इयररिंग्स नहीं थे, तो पतला सा चोखर है तो इसके साथ छोटे छोटे इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। एक ये है, ये चोखर सेट और ये दो इयररिंग्स। फिर एक ये नेकलेस है, इसके साथ ऐसे छोटे छोटे इयररिंग्स शायद मैंने लिए थे पर वो भी मिल नहीं रहे। और एक ये है, ये मुझे बहुत ही प्रीटी लगा था, इसका ये सिर्फ टूट गया है और इसके साथ ये छोटे छोटे से इयररिंग्स। तो ये है थोड़े से चोखर सेट्स। अब मैं आपको जो है अपनी इयररिंग्स की कलेक्शन दिखाती हूँ। ये मिल गया इसका दूसरा इयररिंग, तो अभी मुझे ये ख़राब करना नहीं पड़ेगा। और ये है कुछ इयररिंग्स, काफी लाइट वेट है एक्चुअली। ये तो आई थिंक मैंने पहना था, मैंने शायद सबा के संगीत रात में पहना था जब मैंने वो पूरा ब्लैक वाला अपना लहंगा पहना हुआ था, ये मैंने पहना था। फिर है ये,
ये भी शायद पहना हुआ है, ये गोल्ड एंड व्हाइट पर्ल जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत सेफ होता है क्योंकि ये हर आउटफिट पे चला जाता है। कोई भी आउटफिट पे जिस पे आपका गोल्डन काम होना उस पे ये तो चला ही जाता है। तो प्रिटी लग रहा है ना, ये एक बहुत ऑफ कलर है पर मुझे बहुत प्रिटी लगा। और ये भी आप काफ़ी चीज़ों के जैसे व्हाइट और गोल्ड आउटफिट के साथ भी आप इसे मैच कर सकते हो, ब्लैक एंड गोल्ड आउटफिट के साथ भी मैच कर सकते हो, पिस्ता के साथ तो कर ही सकते हो। एंड इवन इफ यू आर वेयरिंग अ येलो यू कैन इन कॉन्ट्रास्ट वेयर दिस बिकॉज येलो विथ लाइम ग्रीन या पिस्ता ग्रीन जो भी आप बोल लो, सी ग्रीन जो भी बोल लो, लुक्स वेरी गुड। ये है एंटी गोल्ड विद डार्क ग्रीन, ये भी बहुत लाइट वेट है। जितना हैवी वो देखने में लग रहा है ना, उतना हैवी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, तब प्यारा लग रहा है। और ये टिपिकल बालियां, बहुत प्रिटी है। और इसके साथ ये चेन भी है, सो आप भी अपने ईयर्स पे लगा सकते हैं बिकॉज ये थोड़े बड़े हैं, हालांकि ज़्यादा हैवी ये भी नहीं है बट हाँ थोड़े से हैवी हैं। एंड लास्टली ये एक्चुअली पता है मैंने क्या सोच के लिया था कि अगर किसी को ये पासा पहनना हो ना तो वो ये हटा देंगे और इसको पासा बना लेंगे, पर ये किसी ने पहना ही नहीं क्योंकि किसी की ड्रेस के साथ मैच ही नहीं हुआ। मैं उसको डिज़ाइन देख के इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये कलर किसी की ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा। यस, तो ये थी मेरी ईयरिंग्स की कलेक्शन जो मैंने आप सबके साथ शेयर की, और मेरी इमिटेशन ज्वेलरी बेसिकली की कलेक्शन। एंड इसके बाद मैं और श्रोत सोने चले गए। रात में हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि यू नो इतनी सारी अच्छी ज्वेलरी है जो ऐसे ही रखी हुई है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है, इतने समय से ये रखी हुई थी मुझे याद भी नहीं था, तो क्यों ना मैं इसे आप सबको गिव अवे कर दूं। लेकिन क्या आप लोग मेरी ज्वेलरी जो ये इतने समय से मैंने प्रिजर्व करके रखी है या शायद जो एक हाथ बार पहनी भी है, क्या आप विल यू लाइक इट कि अगर मैं उसको गिव अवे करूं? सो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये किया जाए या नहीं किया जाए। और फिलहाल हो गया अगला दिन और हम हो गए रेडी क्योंकि हमें कहीं जाना है। और मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्द अपना दूसरा व्लॉग डालूं, आप सबके साथ शेयर करूं। तब तक के लिए अगर आज का ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़रूर बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं मैं गिव अवे करूं या नहीं करूं। लव यू।